अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत सा जो डिज़ाइन बनाएंगे, ये मैं शेडो वर्क से बनाऊंगी और उसके लिए मैंने ये शेफोन का कपड़ा लिया है, क्योंकि शेडो वर्क हमेशा शेफोन के ऊपर बनती है या फिर ऑर्गेन्जा के ऊपर या बारीक कपड़े के ऊपर जो सी थ्रू होता है, ये देखें ऐसे। और ये मैंने कपड़े की बैक साइड के ऊपर ये ट्रेस किया है, क्योंकि ये बैक साइड पर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो इसके सही वाले फेस के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी आएगी। ये आपने एक लंबा सा काट लेना है धागा, ठीक है, और फिर आपने उसके दोनों सिरे जो हैं, दोनों साइड एंड भी और स्टार्ट भी यूं इस तरह से जोड़ लेना है ऐसे। और ये देखें आप, फिर एंड पे इस तरह से लूप सा बन जाता है। देखिए, अब हम ऐसे करेंगे तो ये आपको नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें आपने कोशिश करनी कि सेम एक ही जैसा स्टिच रहे, जिसकी जो लेंथ है ये वाली स्टिच की वो सेम एक जैसी हो। यहाँ से हमने स्टिच लिया है तो यहाँ पे हम बिल्कुल उस जगह से हम निकालेंगे जहाँ पे वो स्टिच फिनिश हुआ था पहले। ये देखिए, बिल्कुल उसी होल से हम निकाल रहे हैं, उसी सुराख से यहाँ से वो हमने स्टिच लिया था, ये देखिए। इसमें आपने कपड़े में गैप नहीं छोड़ा। अब यहाँ से भी आपने देखना है कि इस साइड पे कपड़ा नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल उस सुराख के पास से गुजरनी चाहिए नीडल जो है।
ये देखें, ये इसकी बैक साइड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका फ्रंट देखते हैं कैसा है। देखिए ये फ्रंट से ये इस तरह से लगता है, ऐसे ऐसा स्टिच। अब हम इस साइड पे दूसरे स्टिचेस ऐड करते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये फ्लावर बन गया है। तो ये इसको हम शेड ओवर कहते हैं। ये देखिए नीचे से वो जो हमने एम्ब्रॉयडरी की उसका शेड सारा नज़र आ रहा है और ऊपर से ये वाला स्टिच नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा स्टिच। होपली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।